दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये बात चलती रहती है हमेशा कि ट्रू कॉलर पैसे कैसे कमाता है। आप जानते होंगे कि ट्रू कॉलर कैसे काम करता है। आई बटन में एक वीडियो दी है, आप जाकर देख सकते हैं कि ट्रू कॉलर कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रू कॉलर पैसे कैसे कमाता है। अपन तो फ्री में यूज़ करते हैं, इसके बाद एम्प्लॉय भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें रखता है तो ये पैसे कैसे कमाता है। तो चलो इस वीडियो में बात कर ही लेते हैं कि ट्रू कॉलर पैसे कैसे कमाता है। दोस्तों, मैं ओम धाकड़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओम टेक टिप्स। ट्रू कॉलर स्वीडन की कंपनी है जो 2009 में स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों, ट्रू कॉलर बहुत सी तरह से पैसे कमाता है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि इसके पास बहुत बड़ा डेटा बेस है। इसके पास लगभग सभी के कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी नेता के या फिर किसी राजनेता एक ही हो गया ना, तो कोई नेता हो गया या कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई बड़ा आदमी हो गया जिसका नंबर आपको चाहिए, तो आप ट्रू कॉलर को बोलेंगे कि मेरे को नंबर चाहिए प्रियंका चोपड़ा का, आप बता दीजिए। ट्रू कॉलर बोलता है ठीक है, मेरे पास प्रियंका चोपड़ा का नंबर है, मैं आपको दे सकता हूँ, बदले में मेरे को आप इतना पैसा दे दीजिए। और वो जो पैसा बताता है तो आपका ख्वाब ही ख़त्म हो जाता है कि प्रियंका चोपड़ा के कॉन्टैक्ट नंबर ले या नहीं, क्योंकि और पैसे बहुत डिमांड करता है। सोच रहा हूँ मैं भी सनी लियोन के नंबर ले लूँ, नहीं सनी देओल के, सॉरी। तो ये एक इस तरह से पैसे कमाता है। और अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा एड से बहुत पैसे कमाता है। जैसे आप किसी का नंबर आया होगा आपके पास, फ़ोन आ रहा मान लो, उसका नंबर आपके पास सेव है या नहीं है, तो ये वहाँ डिस्प्ले करता है नंबर कि इसका फ़ोन आपको आ रहा है। तो होता है क्या, उसके नीचे आपने अगर देखा हो तो उसके नीचे एक ऐड चल रहा होता है, तो उन ऐड से भी ये बहुत पैसे कमाता है। साथ ही साथ एक स्मार्ट ऐड की सर्विस भी इसके पास है। स्मार्ट ऐड मतलब कि अगर आप शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई नंबर सर्च कर रहे हो तो ये क्या करता है, उसी से रिलेटेड आपको ऐड बताएगा। या फिर आप किसी होटल पे रुकने का कुछ नंबर सर्च कर रहे हो, यहाँ कौन सी होटल हैं, तो ये क्या ऐड भी देगा, तो उसी से रिलेटेड ऐड देगा, तो आपका भी भला और ये तो पैसे कमा ही रहा है। तो ये एक तरह का ऐसा भी है, इससे भी ये पैसे कमाता है। अब बात करते हैं इसके पास डेटाबेस इतना बड़ा है, ये अपना डेटाबेस बेचता है। जाहिर सी बात बेचते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी देखिए, इतना बड़ा डेटाबेस हो गया, बेचेगा तभी तो पैसे कमाएगा। तो होता क्या, मान लो आपको कंपनी खोलना चाह रहे हैं, जैसे मान लो आपने एक शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड आपने कंपनी ओपन करी है। अब आपने कंपनी तो खोल दी, आपके पैसा कोई लगा ही नहीं रहा, आपको कोई पैसा दे नहीं रहा, आपकी सर्विस ले नहीं रहा है, तो आप जाएंगे ट्रू कॉलर के पास और ट्रू कॉलर को आप बोलेंगे कि मेरे को आप इंडिया का नंबर दे दो, इंडिया के या फिर इस स्टेट का नंबर दे दो, और मैं क्या करूँगा, उनको कॉन्टैक्ट करके मैं सर्विस के बारे में बताऊँगा कि हमारा यहाँ से सर्विस लीजिए, हम आपको दिल्ली की 3 कॉल देंगे, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केटिंग से। लेना मत सर्विस, बहुत बकवास होते, बहुत पैसे चले जाते हैं अपने को, कमा कोई पाता नहीं, बहुत ही रेयर केस में कोई लोग कमा लेते हैं। तो एक तरीका ये होगा कि अपना डेटाबेस इसके पास बहुत बड़ा है, और ये डेटाबेस को क्या करता है, सेल करता है, बेचता है, इससे ये पैसे अच्छे खासे कमा लेता है। इसके पास एक बिजनेस सर्विस है, इसमें क्या होता है कि कोई डॉक्टर है मान लो, उसने वो सर्विस ली है और वो बोलता है कि मैं किसी को फ़ोन करूँ तो मेरा नंबर उसको दिखना चाहिए कि किडनी स्पेशलिस्ट, या फिर कोई भी बताना चाहता है कि इसका स्पेशलिस्ट, या कोई और नाम देना चाहता है, तो वो चाहता है कि मैं किसी को फ़ोन करूँ तो इस नाम से डिस्प्ले हो उसको मेरा नंबर, वो मेरा फ़ोन अटेंड करे उसको अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो क्या होता है कभी स्पाम वगैरह इससे रिलेटेड अपने को फ़ोन आते तो अपना अटेंड ही नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसकी बिजनेस सर्विस ले लो। तो होता क्या है कि बिजनेस सर्विस में ऐसा होता है कि वो जो चाहता है कि मेरे को ये नाम से कोई डिस्प्ले होना चाहिए मेरा नंबर, तो उसी नाम से उसको डिस्प्ले होता है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है उसको। और एक इसके पास प्रो वर्जन भी है। नॉर्मली अपन क्या होता है, अपन तो सोचते हैं कि यार क्या सर्विस, प्रो कौन लेता होगा, प्रो सर्विस क्यों लेगा, फ्री में ही काम हो रहा अपना, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग क्या प्रो सर्विस लेते हैं। उससे क्या होता है कि प्रो सर्विस में आपको जो ऐड आते हैं ना फालतू के, जो भी नंबर आया उसके नीचे ऐड लिखा होता है ये वो फलाना, तो क्या होता है कि आप नहीं चाहते कोई ऐड दिखे, तो ऐड फ्री सर्विस ले सकते हैं, उसको प्रो सर्विस बोलते हैं। आपको ऐड भी नहीं दिखाई देगा, और साथ ही साथ आपका कोई नंबर भी अगर सर्च करता है आप देख सकते हैं कि आपका नंबर कौन कौन सर्च कर रहा है, तो ये भी आप पता लगा सकते हैं। तो इतने तरीके से ट्रू कॉलर पैसे कमाता है। अपने को लगता है कि ये फ्री में अपने को सर्विस दे रहा है, ऐसा नहीं है, ये बहुत पैसे कमाता है अपने से। अपना डेटाबेस इसके पास बहुत सारा स्टोर हो गया, तो इसके पास बहुत बड़ा डेटाबेस, लोग सोचते हैं कि यार मिस चीज़ कैसे करेगा, मेरा सिर्फ मोबाइल नंबर ही तो है इसके पास। नहीं, आपको नहीं पता, आपका मोबाइल नंबर ही इसके पास पैसा है, इसका पैसा है, आपके मोबाइल नंबर से ही ये पैसे कमाएगा। डेटाबेस इसके पास इतना बढ़ गया है कि ये लोग वो अपना डेटाबेस बेचता है, और ये हैक भी हो गया था एक बार, और हैक होने से अपनी जानकारी थर्ड पार्टी के पास चलेगी जिसने भी हैक किया, और वो भी बेचने लग गया अपना डेटाबेस। अगर आप ट्रू कॉलर हैकिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कैसे क्या हैक हुआ था, तो एक मैंने वीडियो बनाई थी और आई बटन में उसको चिपका दिया। इधर यार थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इस साइड नहीं आता है, इस साइड आएगा आई बटन, तो मैंने आई बटन में एक वीडियो भी रखी है, आप कैसे हैक हुआ था वो भी आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, और हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।